नाजरीन, मैं सैयद नाहिदा खादरी, आई प्लस न्यूज से। जैसे कि आज ट्यूजडे 19 सितंबर है और आज हम संतोष नगर SHO पी शिवा चंद्रा सर के पास आए हैं। वैसे तो आप लोग भी जानते हैं कि माशाल्लाह जब से पी शिवा चंद्रा सर ने यहाँ पर ड्यूटी अपनी ज्वाइन की है, तब से संतोष नगर एरिया का जितना भी माहौल है वो बहुत ही ज्यादा सुधर चुका है। और यहाँ के जितने भी, मैं तो समझती हूँ, जितने भी लड़के जो रातों में फिरते थे, जो चबूतरों पर बैठते थे, जो भी यहाँ पर आवारागर्दी जो हुआ करती थी लड़कों में, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज्यादा सुधार आ चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त संतोष नगर एरिया बहुत ही ज्यादा पीसफुल तरीके से चल रहा है और इसकी सारा क्रेडिट जो जाता है वो पी शिवा चंद्रा सर को जाता है। और इस वक्त माशाल्लाह पी शिवा चंद्रा सर जो है वो सिंगम टाइप एक ऑफिसर माने जा रहे हैं। जैसा कि पहले सत्यनारायण सर जो थे DCP साहब, हमारे हैदराबाद के जो DCP थे सत्यनारायण सर, उनकी जगह पे आज पी शिवा चंद्रा सर को ऑलरेडी देखा जा रहा है। कई सारे लोगों की नजरों में आज पी शिवा चंद्रा सर वही नजरिए से देखे जा रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी इनका जो ताउन है, जो खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी को, आगे भी इंशाल्लाह पी शिवा चंद्रा सर इस तरह देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हम आज एक मकसद से इनके पास यहाँ आए हैं कि जैसे कि गणेश चतुर्थी और साथ ही में मिलाद नबी जो एक साथ फेस्टिवल आ चुके हैं, तो ऐसे माहौल में लोगों में पीसफुल होना जरूरी है और एक अमन और सुकून की तरीके से यहाँ पर फेस्टिवल को मनाया जाए। तो इस तालुक से पी शिवा चंद्रा सर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल पीसफुल रहे। आप लोग भी देख रहे हैं कि कई जगहों पे पी शिवा चंद्रा सर ने चेकिंग वगैरह जारी रखी है, तो देखते हैं कि आगे इनकी क्या तैयारियां हैं अपने बंदोबस्त को लेकर, फेस्टिवल्स के बंदोबस्त को लेकर पी शिवा चंद्रा सर क्या सोच रखते हैं वो बताइए। मैं शिवचंद्रा, इंस्पेक्टर संतोष नगर। मेरा एरिया में अभी तक IIT गणेश आइडल्स पंडाल में है, अभी वो पूरा बंदोबस्त बाहर से संगारेड्डी आदिलाबाद से भी आया। अराउंड 40 मेंबर्स पुलिस ऑलरेडी इधर आ गया, उनको भी ड्यूटीज डाल दिया, क्लस्टर वाइज डिवाइड कर दिया। ये बंदोबस्त का बारे में पूरा बंदोबस्त पूरा चेक करा। ये इम्पॉर्टेंट पंडाल्स रोड पे है, उनका मिक्सड कम्युनिटी पे है, वो भी अच्छा चेक करने को तारीफ कर दिया। उसके लिए CCTV भी लगाया, और CCTV भी इम्पॉर्टेंट गणेश पंडाल्स CCTV भी कर दिया। ये मिलादुन नबी का बंदोबस्त भी, वो चार प्रोसेशन निकलते अपना एरिया पे, वो चार प्रोसेशंस की भी वो प्लानिंग करा, वो कैसा करना, उन्होंने कब निकले तो जब ये ऑफिसर का बारे में बंदोबस्त का पर्सनल्स ले लेते इमीडिएट, वो भी अच्छी कर सकते। ये अपना एरिया पे गणेश पंडाल का बारे में वो दो फेस्टिविटीज़ एक बार, ये 35 ईयर्स का बाद में एक बार आया ये, उसका बारे में हिंदू लोगों ये गणेश फेस्टिवल अच्छी कर सकते आप, ये मुस्लिम लोगों अपना एरिया पे वो अच्छी वो मिलादुन्नबी भी कर सकते। अपना एरिया में कुछ भी नहीं है, अब मैं भी आपके साथ रहता हूँ, आपका पब्लिक के साथ रहता हूँ, संतोष नगर का पब्लिक के साथ रहता हूँ। अभी रउडी शीटर का मामला ख़त्म कर दिया और ये बैड पर्सन्स आइडेंटिफाई करा, उनको भी बाइंड ओवर कर दिया। अराउंड 80 मेंबर्स बाइंड ओवर कर दिया अभी तक अपना पुलिस स्टेशन, संतोष नगर पुलिस स्टेशन में। अभी कोई बैड पर्सन्स कोई भी आए तो आज भी 3 आदमी को 20 दिन जेल को भी भिजाया। आज भी डेली वो करते जा रहे, वो काम करके जा रहे। रात में भी अच्छी चेकिंग कर रहे, व्हीकल चेकिंग भी कर रहे, वो नाइट टाइम में क्राइम कंट्रोल करना बोल के सोच के पूरा वो 1 बजे तक पूरा कर्फ्यू ऐसा कैसा चल रहा है ऐसा कर रहे अभी अपना एरिया में। ये अपना एरिया में कुछ भी करने को हिम्मत रहना आदमी को, कोई भी करने का वो उनको दिमाग में भी नहीं रहना, उसके लिए सोच के वो काम कर रहे इधर। जैसे कि सर दूसरे एरियाज में, जैसा कि कंचनपुर एरिया है, कोई और PS लिमिट्स में लोगों ने मिसाल दी है, हमारे चैनल पे भी हमें कई सारे कमेंट्स आए हैं कि अगर शिवा चंद्रा की तरह का यहाँ पर भी इस तरीके से अगर पीसफुल एरिया को अगर बनाया जाता, पहले से ऑलरेडी लोगों के ऊपर नजर रखी जाती, तो शायद ये मर्डर केसेस जो दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं वो कम हो सकते थे। तो ये तमाम बातों को देख के आपका एक इंटरव्यू हमने ये भी देखा था कि आपने कहा कि छोटी सी भी बात अगर रही, जैसा कि कोई घूरमपुरी कोई घूर ले रहे एक दूसरे को, तो भी मेरे पास आओ, छोटी छोटी लड़ाई भी है तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, एक दो केस नहीं चाहिए मुझे, 20 केसेस भी होंगे तो हम वापस आना चाहिए। लेकिन ये बात से कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों में कहीं इसमें इंकरेजमेंट तो नहीं आ जाएगा कि लड़ाई लड़ना या फिर छोटी छोटी बात पे PS को चले जाना, एक दूसरे पे केस ब्लेम करने के, तो इसमें थोड़ा लोग कहीं गलत फहमी में तो नहीं आएंगे आपकी इस बात से? ये कुछ भी नहीं है, मेरे को कंप्लेंट आना बोल के मैं सोचा क्या, ये
कुछ भी छोटी छोटी कंप्लेंट आए तो ये वो कंप्लेंट बड़ी बड़ा हो जाता बाद में, वो बड़ा होना नहीं, बड़ा बड़ा करना नहीं उसको। कुछ भी है तो ये घर में वाइफ एंड हस्बैंड का इश्यू है, कुछ भी हुआ तो उनको घर में वो रख सकते हैं, घर में वो बड़ा एल्डर के पास रख सकते हैं, अपना पोल्यूशन को आए तो भी उनको बात कर सकते, वो कुछ भी हो जाते। ये रेवेंज ज़्यादा नहीं होना बोल के मैं बोला, कोई भी अपना पोल्यूशन को आ सकते, कोई भी वो पोल्यूशन का आने के बाद में क्राइम कंट्रोल करने के लिए बुलाते, क्राइम कंट्रोल करना है वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये पिटिशन आना बोल के आप लड़ाई झगड़ा करके पोल्यूशन का आ जाओ बोल के नहीं, किसको भी नहीं बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करने का वो हिम्मत भी नहीं रहना उसके लिए। मैं कंप्लेंट कुछ भी है तो मेरा पोल्यूशन का आ जाओ, मैं उनको उसका बारे में इंक्वायरी करता हूँ, मेरा कांस्टेबल से है, कांस्टेबल को इमीडिएट भेजा देता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ। ये कुछ भी रात में इधर बैठा उधर बैठा, ये बैठे तो भी मैं इमीडिएट लोकेशन भी ले लेते, लोकेशन लेने के बाद में वो एक बजे दो बजे भी मेरा कोई इंफॉर्मेशन आए तो एक लोकेशन ले लेते, लोकेशन इमीडिएट मेरा पोल्यूशन का व्हाट्सअप को भेजा देते, इमीडिएट मेरा पोल्यूशन को फ़ोन करके मैं बोलता हूँ ये लोकेशन पे दो आदमी तीन आदमी बैठ के वो तमाशा कर रहे, देखो इमीडिएट चेक करके उनको लाओ बोल के पोल्यूशन को ला रहे, ऐसा कर रहे। ये कुछ भी हम करने का बाद में ये पुलिस का एफिशिएंसी क्या है, क्राइम कंट्रोल करना, प्रिवेंशन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्राइम होने के बाद क्राइम इंसिडेंट होने के बाद में मैं क्या क्या करा, वो ये पुलिस का एफिशिएंसी नहीं है। वो पुलिस का एफिशिएंसी क्या बात क्या है, ये गलती काम, ये क्राइम करने वाला सोचना है ये एरिया पे क्राइम नहीं करना, ये एरिया पे गलती नहीं करना बोल के सोचना, वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं उसका बारे में ज्यादा मैं इंटरेस्ट बोलता हूँ। जैसे कि अब हम भी हमारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहेंगे कि जैसे कि गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी के टाइम पे जितना हो सके आप लोग प्लीज पीसफुल तरीके से अपना फेस्टिवल मनाएं और हर किसी का ख्याल रखें। जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, तो इस हिसाब से एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते या फिर एक हिंदू मजहब के इंसान होने के नाते एक इंसानियत का आप लोग एक मुजाहरा दें और एक इंसानियत का एक आप लोग एक सबूत देते हुए इस फेस्टिवल को सुकून और पुरसकून से गुजारे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त उलमाए दीन और साथ ही में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी इस बात को बहुत ही ज्यादा केयरफुल लेकर चल रहे हैं और सबकी एक ही ख्वाहिश और सबका दिमाग एक ही चीज पर है कि ये फेस्टिवल बहुत ही अमन और सुकून से गुजरे। और हम आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस फेस्टिवल को आप लोग प्लीज अमन और सुकून से गुजारें। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा खादी, आई प्लस यू से, खुदा हाफिज़, जय हिंद।